दोस्तों फार्मूला सीरीज का हम आपके लिए फिर से एक नया फार्मूला लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फार्मूला मैन्यूवर में जाएंगे एंड यहाँ पर है टैक्स एंड दोस्तों यहाँ पर फार्मूला मिलेगा आपको यूनिकोड फार्मूला। यूनिकोड फार्मूला क्या है, एक्सेसिट में हम कब और क्यों यूज करते हैं, आखिर इस फार्मूले को यूज करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप एक्सेल के नए यूज़र हैं, अभी भी एक्सेल सीख ही रहे हैं, तो यूनिकोड फार्मूला जानने के लिए सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। सबसे पहले मैं इसका बेसिक क्लियर कर दूं, आखिर यूनिकोड फार्मूला है क्या। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कोड फार्मूला बताया होगा रिसेंट में, कोड फार्मूला काम करता है जब आपके एक्सेल शीट में कोई सिंबल है या कह सकते हैं कैरेक्टर है ना, जैसे कि डॉलर कैरेक्टर है, इस तरह के जो कैरेक्टर हैं है ना, तब आपको ये पता लगाना है कि इस पर कौन सा कोड है, कौन से नंबर से ये बनता है, तब आप यहाँ पर कोड फार्मूला यूज करते हैं। दोस्तों कोड फार्मूला ASCII कोड पर काम करता है, जो होते हैं 1 से लेकर 255 डिजिट तक, ठीक है। अगर 256 हो, 257 हो, तो ये काम नहीं करेगा कोड फार्मूला। अब दोस्तों 256, 257, 250, 300, 1000, अगर इस तरह के कोडों पर सिंबल हो, तो उन सिंबल का कोड कैसे पता लगाओगे आप, तब दोस्तों यहाँ पर आपको यूनिकोड फार्मूला की हेल्प लेनी है। दोस्तों यूनिकोड के द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं 256 से लेकर 257, 258, 300, 400, 500, जो भी 1000, 1000 जितने भी हैं उनके सिंबल आ रहे हैं, उन सिंबल पर कौन कौन से कोड हैं, तब आप इसकी हेल्प लेंगे, ठीक है। सिंपल से मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जी यहाँ तक कोड लिखे हुए हैं, ये केयर फार्मूले के कोड है, यानी कि ASCII कोड के। जैसे कि यहाँ पर मैं इक्वल दाता ने कोड टाइप करता हूँ, एंड ब्रैकेट को ऑन, एंड सिलेक्ट करता हूँ, एंड ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर देता हूँ, तो यहाँ 40 आ रहा है ना, क्योंकि दोस्तों 40 नंबर पर ये सिंबल आ रहा है। एंड ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद 55 पर ये है, एंड 120 पर, 250 पर, एंड 255 पर ये है, ठीक है। अब दोस्तों ये स्पेशल करेक्टर है या कह सकते हैं सिम्बोल है, ठीक है। तो ये सिम्बोल पर कौन कौन से कह सकते हैं कोड हैं, ये पता लगाना है, तब आप यूनिकोड फार्मूला यूज करेंगे, सिंपल सा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इक्वल दबाता हूँ, यूनिकोड ब्रैकेट को ऑन करते हैं, एंड यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, तो 256 आ रहा है ना। देखिए दोस्तों 255 तक काम करता है, 256 तक काम नहीं करता। तो जब आपको 256 के बाद के जो भी हैं सिम्बोल करेक्टर, उनका कोड पता लगाना है, तब आप यूनिकोड फार्मूला यूज करेंगे या ड्रैग करेंगे, तो सभी के कोड आ जाएंगे। ये देखिए 420, 500, 820, 1000, 1200, 3000। जैसे कि दोस्तों रिसेंट वीडियो में मैंने आपको यूनिकेयर फार्मूला के बारे में बताया, ये दोस्तों काम करेगा 1 से लेकर 255 तक आने वाले सिम्बोल करेक्टर में जो कोड है उनका पता लगाना है, तब आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। एंड दोस्तों 255 के बाद जो सिम्बोल करेक्टर आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताए, तब यहाँ पर आप फार्मूला यूज करेंगे यूनिकोड, ओके। तो कुछ बेसिक जानकारी थी यूनिकोड फार्मूला से रिलेटेड। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समझना है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स एंड बाय।